आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कथक सम्राट बिरजू महाराज के निधन पर पीएम दुखी। पीएम ने ट्वीट कर कहा, संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति। सीएम योगी आज आएंगे गाजियाबाद, अब से थोड़ी देर में संतोष कोविड अस्पताल का करेंगे निरीक्षण। पंजाब में टल सकते हैं विधानसभा चुनाव, राजनीतिक दलों की मांग पर आज आयोग की अहम बैठक। जल्द आ सकती है देश की पहली ओमिक्रोन वैक्सीन, एमआरएनए प्लेटफॉर्म पर बन रहा टीका। पिछले 24 घंटे में आए 2,58,000 कोरोना केस, ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले पहुंचे 8,000 के पार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। बलिया में मंत्री दारा सिंह चौहान पर पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि सर्वे रिपोर्ट में फेल निकले थे। मंत्री दारा सिंह चौहान ने पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान पर हमला किया और कहा कि दारा चौहान टिकट कटने के डर से पार्टी छोड़ भागे। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि ये जिस पार्टी में जाते हैं 5 साल मलाई काटते हैं, चौहान समाज को बेचते थे। दारा चौहान अब सपा में गए हैं, वहां पर चौहान समाज को बेचेंगे। उनके जाने से चौहान समाज और बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दारा सिंह चौहान जी का उनका अपना स्वयं भला से मतलब है, चौहान समाज से कोई भला नहीं है। ये जहां जहां जाते हैं, बीएसपी में जाते हैं, सपा में जाते हैं, भाजपा में आते हैं, 5 साल मलाई काटते हैं और काट करके चौहान समाज को बेचने का काम करते हैं। इनके जाने आने से कहीं चौहान समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये डर से टिकट कटने वाला था, सर्वे रिपोर्ट उनके अगेंस्ट थी, इसलिए हार के डर से फिर वो भग करके सोचे कि अब मैं सपा में चलूं और सपा में एक राष्ट्रकार चौहान का नेता इकलौता बन करके फिर चौहान समाज को सपा में बेचने का काम करूँ। लेकिन ऐसा यूपी के औरैया जनपद के बीजेपी से बागी हुए, बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए विधुना विधायक विनय शाक्य और उनके भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद पहली बार पहुंचे औरैया के समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय, जहां उनका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर देवेश शाक्य ने बताया कि विनय शाक्य की राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई थी। राजनीति में समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती है। वहीं सपा जिला अध्यक्ष राजवीर ने कहा, हमें पूरा भरोसा है तीनों सीटें औरैया की जीतेंगी। मेरा परिवार बढ़ रहा है, किसी का परिवार जब बढ़ता है तो अंदर से खुशी होती है, सबको खुशी होती है। तो आज मेरा परिवार और बड़ा हो रहा है तो हम सभी समाजवादियों का बहुत खुशी है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, इसलिए कि 5 साल अगर किसी ने संघर्ष किया है, इस सरकार के खिलाफ सड़क पर कोई उतरा है, इस एक एक मुद्दे को उठाने का काम किया, वो समाजवादी पार्टी, और तो अपना पता ही नहीं उनका कहाँ थे। तो हम खबर औरैया जिले से है, जहां के अजीत मल कोतवाली के नेशनल हाईवे पर उस समय लूट मच गई जब तेज रफ्तार टैंकर और डंपर में टक्कर होने के बाद वेस्ट ऑयल से भरा हुआ टैंकर पलट गया और लोगों ने जमकर तेल लूटने में जुट गए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक ट्रक ने टैंकर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पायल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। तेल पलटने के कारण आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और तेल लूटने में लग गए। वहीं किसी भी प्रकार का कोई जनहानि नहीं हुई है। तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। खबर फरीदाबाद से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगन सगाई समारोह में युवक को मौत की घाट उतार दिया गया। तिगांव इलाके में कपिल अधाना को अज्ञात बदमाशों ने खाना खाते समय गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
यहाँ पे सबके लिए प्रोग्राम था, जी प्रोग्राम था हमारा जी, और हमने पूरे गांव के लिए निमंत्रण दे रखा था जी। अब हमें नहीं पता उनका क्या रंजिश था क्या नहीं जी, आपस में कोई रंजिश होगी उनकी, लेकिन हमें नहीं पता जी। वो खाना खा रहा था लड़का यहाँ पे आके जी, तो उसके बाद वो लड़का आया इधर से जी, और आके यहाँ इधर खड़ा हो गए और यहाँ से गोली मारी उसके। अच्छा, गोली मारने के बाद वो वापस यहाँ से ऐसे जंप करके भागे बाहर। जिसने मारी उसको जानते हैं आप? जी नहीं। जिसको लगी उसको? हाँ जी, वो कपिल नाम है उस लड़के का। कितनी उम्र होगी? खबर मिर्जापुर से है, जहां पर दबंगों ने महिलाओं को जमकर मारा। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि युवक कैसे महिलाओं और बच्चियों को पीट रहे हैं। जानकारी के अनुसार एक महिला को लगभग 6 से 7 टांग का भी लगा है। ये मामला थाना कोतवाली कटरा में पंजीकृत कराया गया है। ये लेकिन कोतवाली कटरा की तरफ से मामला पंजीकृत किया गया और दबंगों की गिरफ्तारी भी पुलिस की ओर से अभी तक नहीं की गई है, जबकि दबंगों ने खुलेआम धमकी दी है। आज सुबह कुछ तुमने देखा था? हाँ। क्या देखा था? आंटी को हथौड़े से सब मारे थे और दादी को भी। कौन मारा था? वो आगे जो रहते हैं ना। नाम मालूम है? हाँ। क्या? अज्जू। अज्जू। और कौन था? बाबा। अच्छा, क्यों मार रहे थे? वो दादी पेशाब करने के लिए गई थी, जब सीढ़ी पे से उतर रही तो उसकी मम्मी हज्जू बैठी थी, बोली थोड़ा साइड हो जाइए, मैं जाने दीजिए। वही दादी से गाली देने लगी तो दादी कुछ नहीं बोली, आने लगे तो उसके बेटे लोग खींच के मारे दादी को। अच्छा, और कैसे मार रहे थे? वो लोहे के छड़ से मारे थे। अच्छा, कोई बचाने नहीं आया? नहीं, सब खड़े थे। मेरी मम्मी गई थी मदर साहब में बाथरूम करने के लिए, तो वो औरत बैठी थी, उनका नाम हज्जू है, वो बैठी थी। अम्मी मेरे कहें कि उतर, थोड़ा सा हट जाओ सीढ़ी पे से, तो सीढ़ी पे से हटी नहीं, गाली उली देने लगी। उनका लड़का आया, मेरी अम्मी को मारने लगा। हम नहा के गए छुड़ाने के लिए, तो हम अम्मी को मेरे मारा, मेरी हाँ मेरी बहन को मारा, हमको मारा। उसकी लड़की आई, तमन्ना नाम है उसका, बिल्कुल बोलते हैं उसको, तमन्ना आई, हथौड़ी मार दी, सर फट गया मेरा। फिर उसका लड़का आया सलमान, और तो बाबा नाम उसका, वो आया रंभा रंभा हम लोग को मारने लगा पूरा। खबर अमेठी से है, जहां अवैध खड़ंजा निर्माण का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। प्रधानपत्री ने दबंगों के साथ मिलकर पूरे परिवार की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बिछा रहे थे उस लोग, तो फिर हम रोकने के प्रयास कर रहे थे, हम सब लोग हाथ पकड़ के खड़े थे, इसीलिए हम सब लोगों को पटक पटक के हिटा गए, सबको मारा, लोहे के पाइप लाए थे और सब डंडा, उनके परिवार वालों सब, ठाकुर का कोई मतलब नहीं था, फिर भी ठाकुर लोग आए, वो भी मारे, प्रधान भी मारे और पूरे ठाकुर भी मारे, उनके 5-6 बेटे थे, भाई थे, सब लोग मिलकर मारे, इतना मारे, मेरी मम्मी को भी बहुत मारा, बहुत गिरा गिरा कर मारा। खबर अमेठी से है, जहां अचानक पुराना पक्का मकान भर भरा के गिर गया, जिसमें मकान के अंदर सो रहे पति पत्नी और 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हमारी एक बेटा है, एक बहुरिया है, एक उनकी बेटी है। ये मकान तो पक्का था, ये कितना पुराना था? 74-75 में बना है। पुराना था। तो क्या इसके लिए ये बेटे क्या करते थे आपके? ईटा गारा मजदूरी करा थी, अपन देहात में देख मिल जाते हैं, जो उन बुला लिए काम कर दिया रहे अपन। ये आश्वासन है कि पहले भगवान जिनके साथ ये घटना घटी, सब रेफरल हुए हैं लखनऊ में, तो सब स्वस्थ होके वापस आ जाए, यही कामना है। और जो भी नियमानुसार सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा सकती है, हम उसमें तत्पर हैं, उसमें कहीं कमी नहीं। खबर अमेठी से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेहटा मुतुर्जा के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जायस पालिका अध्यक्ष पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर बेटे का जबरन अपहरण कर असलहे के दम पर बुजुर्ग से हाईवे किनारे बेशकीमती जमीन का बैनामा करा लिया। वहीं कोतवाल उमेश मिश्र ने बताया कि बुजुर्ग राम लखन ने नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जबरन जमीन लिखवाने की तहरीर मिली है। सीओ ने मामला संज्ञान में लेते हुए कहा कि जांच कर कार्रवाई की जा रही है और के विरुद्ध जल्द कार्रवाई होगी। अरे सर, जो है मुझे जो है जबरन थाने बंद करवा दिए थे, बंद करवा दिया चेयरमैन, ठीक जो है, मैं वहाँ पे सुलनामा हुआ है, जो है मैं आ रहा था तो चेयरमैन कहे चलो तुमको घर छोड़ देते हैं, नहीं जो है आ रहा था तो जबरन जो है गाड़ी में स्कॉर्पियो में हमको जो है जबरदस्ती भरा था, ठीक उसके अंदर
करके फिर ले गए थे तिलुए। स्कॉर्पियो में कितने लोग थे? उसमें 4 जने थे सर। फिर क्या हुआ? फिर उन्हें जो है ले जाके जबरदस्ती हमको वहाँ कहीं खेत में घुमा रहे थे, कहाँ वहाँ घुमा रहे थे, कहीं बैठे रहो नहीं तो जो है तुमको साले गोली मार दूंगा। कल हमका जो ना थोड़े मैन जो ना सपा जो ना मार पीट के और जो ना के ले गए हैं जबरदस्ती भर के वहाँ जाके घर की देखे और मैं नाम लिखवा दें बयान झूठ बोल के नाम लिखवाए हैं। क्या लिखवा दिए? नाम लिखवाए क्या लिखवाए? खेत लिखवाए नाम। खबर चंदौली से है जहां बबुरी क्षेत्र के गौरी गांव में नाली सफाई ना होने से ग्रामीण परेशान है। नाले का गंदा पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि शिकायत के बावजूद अभी तक समस्याओं से निजात नहीं मिल पाई है। पिछले 5 सालों से गाँव के नालों के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल जमाव से ग्रामीण परेशान है। दशा यह है कि बरसात के दिनों में यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है जिससे होकर निकलना पड़ता है। खबर बुलंदशहर से है जहां पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 17 तमंचे और 6 अदबने तमंचे बरामद किए हैं, जिसमें पुलिस ने अवैध तमंचे का सौदागर भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जंगल में ट्यूबवेल के खंडहर कमरे में अवैध शस्त्र बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। तो 17 तमंचे और 6 अदबने तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुलंदशहर की यह घटना है जहां पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है। रात्रि में छतारी पुलिस को मुखबिर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना दी गई, जिस सूचना पर स्वाट टीम के भी 2 कर्मचारी मौके पर आ गए। ग्राम सालाबाद की ओर से जाने वाले बंबा पटरी पर एक बंद पड़ा हुआ ट्यूबवेल है जिसकी कोठरी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध शस्त्र बनाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस की आहट से 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल पर फरार हो गए, परंतु घेराबंदी कर एक मुख्य आरोपी जिसका नाम समून अली है उसको गिरफ्तार किया गया। वह मूलतः जनपद मेरठ का निवासी है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा बताया गया कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा डिमांड होती है ये लोग उस क्षेत्र में जंगल में किसी सुनसान स्थान पर अवैध शस्त्र तैयार करने का कार्य करते हैं। अभियुक्त समून अली शारीरिक रूप से विकलांग है जिससे उस पर किसी भी अवैध कार्य में लिप्त होने का कोई शक नहीं होता। इस सफल अभियान में छतारी पुलिस को मौके से भारी मात्रा में बने एवं अधबने तमंचे एवं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिसमें 14 तमंचे 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस 315 बोर, 3 तमंचे 12 बोर, 1 जिंदा कारतूस 12 बोर, 5 अधबने तमंचे 315 बोर, 1 अधबना तमंचा 12 बोर, 1 स्पेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।